दोस्तों, आप सबका स्वागत है लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर के एक नया वीडियो में। मैं हूं शिव कुमार साहू, करियर कोच। आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक के बारे में। जैसे मैंने एक प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आप जब दुबई के लिए अप्लाई करते हैं जॉब के लिए होटल इंडस्ट्री में दोस्तों, तो सैलरी का जिक्र ज्यादा मत कीजिए, सैलरी का नेगोशिएशन ज्यादा मत कीजिए। अगर आप सुपरवाइजर और एसोसिएट लेवल पे जा रहे हैं, बारटेंडर में जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट हो, लाइक बारटेंडर जा रहे हैं बार में, एफएनबी सर्विस में जा रहे हैं एसोसिएट, हाउसकीपिंग में जा रहे हैं, फ्रंट ऑफिस में जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी सैलरी का जिक्र बार बार मत कीजिए, ठीक है? और क्यों, अभी आपको बताने जा रहा हूँ बोर्ड में, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सैलरी का नेगोशिएशन हमको बार बार क्यों नहीं करना चाहिए, बार बार सैलरी के बारे में क्यों बात नहीं करना चाहिए। दूसरा बात यह है कि हमको पहले से ही पता चल जाता है सैलरी के बारे में, क्योंकि एचआर जो है दोस्तों आपको इंटीमेट कर देती है पहले कि आपका सैलरी का रेंज इतना से इतना होगा, या फिर जब वो ऐड देते हैं कोई जॉब्स के लिए तो उसमें मेंशन रहता है कि भाई इस पोजीशन के लिए इतना सैलरी हम दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी जाके अप्लाई कीजिए। लेकिन होता क्या है, हमें रहता है जॉब का लालसा और हम कर देते हैं अप्लाई, लेकिन जब अप्लाई करते हैं उसके बाद हम फिर से दोबारा सैलरी के बारे में नेगोशिएशन करते हैं। हालांकि एचआर के रूल है दोस्तों, जब भी आपसे बात करते हैं वो आपको बताएंगे कि भाई होटल का सैलरी क्या है, फैसिलिटीज क्या है, आपको क्या क्या वो और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दे सकते हैं, और वो आपका भी पूछते हैं एक्सपेक्टेशन कि आपको एक्सपेक्टेशन क्या है। और आपको बोलना चाहिए दोस्तों यहाँ पर कि आपको एक्सपेक्टेशन तो बहुत कुछ है, बट फर्स्ट आप जो है आपका करियर डेवलपमेंट चाहते हैं, कंपनी के साथ लॉन्ग टाइम तक एसोसिएट होना चाहते हैं क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, या जो भी है आपको कंपनी के बारे में बूस्टिंग करना है, कंपनी के बारे में ज्यादा बताना है, ना कि मेरे को इतना सैलरी चाहिए उतना सैलरी चाहिए। क्यों ऐसा बोलना चाहिए, मैं अभी आपको बोर्ड के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा और समझिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलो चलते हैं बोर्ड पे। दोस्तों, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने अभी बोर्ड का अरेंजमेंट किया, बोर्ड लेके आया नया, ताकि आप लोगों को मैं क्लियरली समझा सकूं, क्योंकि ये आपका करियर का मामला है दोस्तों। अगर आपने गलती किया, नौकरी नहीं मिला, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, मन विचलित होता है कि भाई मुझे जॉब नहीं मिला, मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मैंने होटल मैनेजमेंट किया, अच्छा इंटरव्यू दिया, अच्छा परसेंटेज है, एक्सपीरियंस है, लेकिन यार जॉब क्यों नहीं मिला, हमको इसका आंसर नहीं मिल पाता दोस्तों, क्योंकि एचआर डायरेक्टली बोल देगा आपको वी कॉल यू बैक, या कुछ ना कुछ बोलकर टाल देते हैं दोस्तों। और आप सोचते हैं यार अभी तक मुझे कॉल क्यों नहीं आया, और आपको कभी कॉल आएगा भी नहीं, उसका बहुत सारे कारण है, बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीजन आज आपको बताने वाला हूं, वो भी बोर्ड के माध्यम से एग्जांपल के साथ में, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो ध्यान से देखिएगा और आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि मैं मेरा जितना व्यूअर्स को देख रहा हूं ज्यादातर स्किप करते हैं वीडियो को, और वीडियो को स्किप करने के बाद फिर से मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, सर ये क्यों हुआ, वो ऐसे क्यों होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए। भैया आप लोग अब जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है दोस्तों वो टेक्निकल कोर्स है। अब बताता हूँ, देखिए मैं जो एग्जांपल बता रहा था, आप एक एसोसिएट हैं, एक एचआर मैनेजर क्या सोचता है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या सोचते हैं वो एज एन एचआर मैनेजर जब रिक्रूटमेंट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप जाते हैं एज एन एसोसिएट तो समझ जाइए, आप जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक टेबल है दोस्तों, ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, ठीक है। वैसे तो रेस्टोरेंट्स बहुत सारे टेबल्स हैं, लेकिन आपको 6 टेबल का एलोकेशन दिया गया एज एन एसोसिएट। आपके ऊपर एक टीम लीडर रहेगा जिसके अंडर में 2 एसोसिएट काम करेंगे, मतलब 6 और 6 12 टेबल को 2 एसोसिएट और 1 सुपरवाइजर हैंडल करेंगे। एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो यहां पर देखिए 4 गेस्ट हैं, ठीक है, यहां पर 4 गेस्ट हैं, इस टेबल पे 4 गेस्ट हैं, और इसी तरह सारे टेबल पे किसी में 3 गेस्ट हैं, किसी में 2 गेस्ट आए, किसी में 1 गेस्ट आया, ठीक है। मान लीजिए इतना सारे गेस्ट आके वो लोग डाइन कर रहे हैं, और ये जो डाइनिंग है दोस्तों ये है बुफे, ठीक है, ये है अपना बुफे। लोग आए, आपने टेबल एलोकेट कर दिए गेस्ट को, एक टेबल गेस्ट को, और वो खाना लेके आए कहां से, बुफे काउंटर से, और खाना लेके खाते गए। अब होता क्या है, क्यों वो आपको, या आप यहां तक तो एकदम सही है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक एचआर मैनेजर डरता क्यों है दोस्तों
आपको हायर करने के लिए, अगर आपने कहा बार बार कि व्हाट इज द सैलरी, ये वो, मैंने बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, सैलरी के बारे में जिक्र बिल्कुल मत कीजिए. ऑलवेज टॉक अबाउट योर करियर, योर ग्रोथ, योर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दैट्स इट. ठीक है, क्योंकि आपका जो वीजा है दोस्तों वो 2 साल का होता है. अब वो क्या सोचते हैं कि 2 साल में आप यहां पर कुछ ना कुछ गलत करके जाएंगे, पैसा कमा के जाएंगे. और ये अक्सर होता भी है. मैं कैसे होता है बता रहा हूं आपको. मैं तो इतना सारे गेस्ट बैठे हैं यहां पर. अब मान लीजिए ये आके बुफे खाना खाया. खाना खाने के बाद होता क्या है, आपने इसको इस टेबल को, टेबल नंबर ये है 3, ये 2, ये 1, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6. ठीक है, तो एज एन एसोसिएट आपने क्या किया, गए अपना साइज स्टेशन पे, अपना माइक्रोस पे. ठीक है, मार्क किया टेबल नंबर 3, इसमें है 4 गेस्ट. ठीक है, आपने 4 पैक मारा, 4 पैक्स. ठीक है, 1 पैक्स का एग्जांपल लीजिए 2000 रुपीज इंटू 4. ठीक है, तो ये हो गया आपका 8000 रुपीज का आपका चेक हो गया विथ टैक्सेस एंड जो भी है. ठीक है, तो 8000 रुपए का बिल हुआ. आपने लाके इन टेबल वाले गेस्ट को आपने चेक रख दिया. इसने क्या किया, देखा कि 8000 बिल है, उसने क्या किया 9000 पे कर दिया. ठीक है, विथ टिप्स. ठीक है, 9000 पे कर दिया क्योंकि तो कैश में पे किया. ठीक है, और वो पैसा को अपना फोल्डर में डाल दिया और चला गया. अब आप क्या किए, एज एन एसोसिएट आके क्या करते हैं कि एसोसिएट, ठीक है, आया ये फोल्डर पकड़ा और चला गया कहां पर, अपना साइज स्टेशन पे. ठीक है, साइज स्टेशन में जाके, माइक्रोस में जाके सेटलमेंट करने के लिए. लेकिन उसका दिमाग में आया दोस्तों यहां पर एक और टेबल है, दोज वर अबाउट टू फिनिश देयर फूड. ठीक है, तो वो क्या किया भैया, ये जो टेबल था उसी को क्या किया, चेक लाके वो यहां पर थमा दिया, क्योंकि यहां पर चेक कैश में है. ठीक है, अब वो ट्राई करता है. ठीक है, अब यहां जो चेक है उस चेक को उठा के यहां दे दिया. इसमें भी 4 पैक है, इसमें 4 पैक है, और बुफे का रेट बराबर होता है. अलग आठ का कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बुफे का रेट सब जगह, मतलब इस रेस्टोरेंट में बराबर रहेगा. तो यहां पर भी 4 पैक है और यहां पर भी 4 पैक्स है. तो ये भी कितना होगा दोस्तों, जितना हुआ था 8000 रुपीज. ठीक है, अब मान लीजिए ये गेस्ट ने पे किया क्रेडिट कार्ड से. ठीक है, अभी क्या किया, इसी चेक को लेके यहां पर सेटलमेंट कर दिया, जो यहां का चेक था. ठीक है, ये चेक को वो वहां पर प्रेजेंट किया. और यहां के बाद ये जैसे गेस्ट ने क्रेडिट कार्ड दिया, डेबिट कार्ड दिया, कार्ड दिया, कार्ड को जाके तुरंत जाके, टाइम वेस्ट नहीं करा इसने, तुरंत जाके सेटलमेंट कर दिया. ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पर जो इसको 9000 रुपए जो मिला था, 8000 अपना चेक का यानी बिलिंग का और 1000 रुपए अपना टिप्स का. तो ये क्या किया, यहाँ पर जो अपना सुपरवाइजर है उसे सांठगांठ करके या फिर अकेला जो भी जैसे भी किया, 9000 रुपीज अपना जेब में रख लिया, किसी को पता भी नहीं चलता. ठीक है, क्योंकि रेस्टोरेंट बहुत बड़ा 5-स्टार होटल का रेस्टोरेंट दोस्तों, 1000 लोग आते हैं डेली खाना खाने के लिए और उसका फायदा उठाते हैं. और यही वजह है HR बहुत डरते हैं कि जब वो रिक्रूटमेंट करते हैं दोस्तों, बहुत प्रोसेस इसका, जब बहुत डरते हैं वो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में, स्टार रेस्टोरेंट हो या फिर छोटा चेन का रेस्टोरेंट हो, उसमें इजीली जॉब मिल जाता है क्योंकि वो लोग आपको फॉलो कर सकते हैं. लेकिन 5-स्टार होटल में दोस्तों जल्दी इसलिए जॉब नहीं मिलता, ये बड़ा रीजन है. स्पेशली बात करूं मैं गल्फ कंट्रीज का, तो क्योंकि वहां का जो वीजा होता है 2 ईयर्स का होता है. ठीक है, तब ये हुआ क्या, अभी देखो यहां पर ये, यहां पर 9000 रुपए कमा लिया, चाहे जैसे भी हो. ठीक है, और यहां पर जो सेटलमेंट बाकी सब कर दिया. ठीक है, तो इसी तरह अगर हर महीना में वो 24 दिन काम करता है, 6 दिन छुट्टी रहता है, तो 24 दिन में अगर वो 3000 रुपया अगर वो घपला करता है, ठीक है, तो 70-80000 रुपया हो गया महीने का. तो दोस्तों यही बड़ा रीजन है. ठीक है, जब भी आप इंटरव्यूज देते हैं तो आपको सैलरी के बारे में बार बार जिक्र नहीं करना है. अगर आप सैलरी के बारे में बार बार जिक्र करते हैं तो उनको समझ में आता है कि भाई आप बहुत लोभी हैं, आप पैसे के पीछे बहुत दौड़ते हैं. और जब आप अचानक जब रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा देखेंगे, बहुत ज्यादा गेस्ट देखेंगे, तो आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं पैसा अपना जेब में डालने का होगा, जो मेंटालिटी है. ठीक है, अगर आप करियर के बारे में बात करते हैं, ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं,
तब उनका मन में आता है, दिमाग में आता है कि दिस कैंडिडेट इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हिज करियर अहेड, नॉट फॉर मनी, ठीक है। और फिर वो आपको देन एंड देयर, अगर आपका इंग्लिश सही नहीं है कोई बात नहीं, आपका स्किल सही नहीं है कोई बात नहीं, अगर आपने ऑनेस्टी से इंटरव्यूज दिया है, ऑनेस्टी से बात किया है, तो दोस्तों आपको हायर करते हैं। लेकिन यहां पर अगर आपने एक्सेलेंट इंग्लिश बोला है, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पर अगर मार खा गया तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर आप मेरे बात में सहमत हैं तो कृपया मुझे इंस्टाग्राम में अपना मैसेज जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों अब बताता हूं मैं बारमैन का भी सेम सिनेरियो होता है। अगर आप बारटेंडर जा रहे हैं, बारमैन जा रहे हैं, तो बारटेंडर और बारमैन में कभी भी सैलरी का नेगोशिएशन बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि रेस्टोरेंट्स का ओनर कौन होता है? एसोसिएट, जो वेटर होते हैं, क्योंकि पैसा किसके हाथ में आता है? वेटर के हाथ में आता है, ठीक है, या फिर सुपरवाइजर के हाथ में आता है, क्योंकि यही लोग जो है दोस्तों पैसा का लेन देन यही लोग करते हैं। मैनेजर सिर्फ प्रोसेस बनाते हैं, इसलिए मैनेजर जब बनते हैं तो आप पैसा का नेगोशिएशन कर सकते हैं, सैलरी का नेगोशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि पैसा आपके हाथ में नहीं रहता, आप सिर्फ पेपर में और सिस्टम में काम करते हैं। लेकिन जब एसोसिएट होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, तो पैसा आपके हाथ में होता है। इसीलिए आप कहीं पैसे के बारे में बात ही मत कीजिएगा। बारटेंडर का भी सेम सिनेरियो है, बारटेंडर भी कभी भी सैलरी के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, एक रिसेंटली मेरे ऑफिस में एक इंसिडेंट हुआ था। एक लड़का आया था एज ए बारटेंडर, वो एसोसिएट था, ठीक है, वेटर था, बट ही वांटेड टू जॉइन एज ए बारटेंडर। तो उसने मुझे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा ठीक है, विल ट्राई। और मैंने एक कंपनी का नहीं बताऊंगा, अच्छा बड़ा कंपनी था, बड़ा होटल था, फाइव स्टार होटल था। मैंने वहां का बार मैनेजर से बात किया, मैंने वहां का एचआर मैनेजर से बात किया, और इस लड़का का इंटरव्यू मैंने शेड्यूल करवा दिया, ठीक है। अब इसको मैंने बताया था कि आपका सैलरी जो है 45,000 से 50,000 तक आपका इनहैंड जरूर रहेगा। इसने एग्री कर लिया, एग्री करने के बाद इंटरव्यू दिया, तो सिंस मैंने रिकमेंड किया था तो ज्यादा क्वेश्चंस आंसर नहीं हुआ दोस्तों, उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद एचआर का एक रूल है दोस्तों, दे मस्ट आस्क यू फॉर योर एक्सपेक्टेशन ऑन सैलरी, ठीक है। तो उसको कोई पूछा गया कि भाई आपका एक्सपेक्टेशन क्या है सैलरी के लिए, तो इसने क्या कहा मालूम है? सर 70,000 to 80,000। क्यों कहा? क्योंकि जैसे एफएनबी मैनेजर इंटरव्यू लिया था इसका, उसने इसको ऑफर किया था 45,000 rupees दोस्तों। अब इसको हो गया लाला, थोड़ा ग्रीडी हो गया, ये सोचा अगर मैं एचआर को बोलूंगा 60,000 rupees तो शायद दे सकते हैं, ठीक है। और इसने कह दिया माई एक्सपेक्टेशन इज मिनिमम 60,000 to 70,000 rupees। अब यहां पर वो ये सोचते हैं, बंदा अभी तक नौकरी मिला नहीं है, नौकरी कंफर्म नहीं हुआ है, और बारटेंडर आ रहा है, और अगर ये सैलरी के बारे में नेगोशिएट करता है, सैलरी के बारे में पूछता है, जब ये बार में आएगा तो क्या करेगा? पैसा कमाने के लिए वोडका में पानी डाल देगा और गेस्ट को दे देगा और पैसा अपना जेब में रखेगा। कॉकटेल बनाया, कॉकटेल में कुछ और मिक्स कर देगा, पैसा जो आया, क्योंकि बार में होता क्या है, फटाफट गेस्ट जो है दोस्तों पैसा देते जाते हैं और ड्रिंक लेते जाते हैं, और लेटर ऑन आपको क्या होता है, आपको उसका बिलिंग करना होता है, ठीक है। वो सेकेंडरी है, जब आपका एफएनबी कंट्रोलर आएगा शाम को या फिर नेक्स्ट डे, आपको पूछेगा कि भाई आपको इतना बोतल बियर था, इतना बोतल वाइन था, इतना एमएल आपका विस्की और रम था, तो उसका आपको हिसाब देना है, ठीक है। लेकिन आपने कितना गड़बड़ी कर चुका है इस बीच में, वो ये सोचते हैं। यही वजह है दोस्तों, कभी भी सैलरी के बारे में बार बार एचआर के साथ जिक्र बिल्कुल मत कीजिए। और ये बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं गल्फ कंट्री के लिए दोस्तों, चाहे वो गल्फ हो, सिंगापुर हो, मालदीव्स हो, सेशल हो, जहां का मेरे एक्सपीरियंस से गुड मॉर्निंग में बता रहा हूँ आपको। आपको सैलरी के बारे में बात करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे 80,000 चाहिए, मुझे 90,000 चाहिए, मुझे 1,00,000 चाहिए, ऐसा ग्रीडी नहीं होना है। आपको हरदम ये बात करना है कि भाई मुझे करियर में डेवलपमेंट करना है, मुझे इस कंपनी में आगे बढ़ना है, मुझे नेक्स्ट पोजीशन जल्द से जल्द लेना है। मैं आज जा रहा हूँ वेटर में तो मुझे जल्द से जल्द सुपरवाइजर बनना है। अगर आप सुपरवाइजर में जा रहे हैं तो आपको ये बोलना है कि मुझे जल्द से जल्द मैनेजर बनना है। तो इस तरह का जो भी आंसर है आपको होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे आप लोग ऑफर कर रहे हैं 30,000 तो मुझे 50 चाहिए, नहीं, तभी जाके आपको जॉब मिलेगी, आप करियर में बहुत ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का जो मैंने डिटेल्स बताया, गौर कीजिए इसके बारे में, सोचिए, और जब भी इंटरव्यू देते हैं तो इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा दोस्तों। मैं इसलिए बोर्ड भी लाया हूँ, दूसरा भी रीजन है क्योंकि बहुत जल्दी मैं कुछ और सीरीज चालू करने जा रहा हूँ एजुकेशन का, ठीक है। होटल मैनेजमेंट तो पढ़ाऊंगा साथ में और भी सीरीज में जोड़ रहा हूँ,
ताकि मैं ज्यादा लोगों तक रीच कर सकूं और आप सब लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। ठीक, आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट्स हैं, आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपका हर क्वेश्चंस का जवाब जल्द से जल्द देने का। आज के लिए बस इतना ही, मैं एक नए टॉपिक के साथ जल्द से जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, अगर पहले बार आप मेरा चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे और आप इस तरह का वीडियो का लुत्फ उठाएं, अपना करियर में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।